हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के साथ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो ये इकोनॉमिक्स जो है कॉमर्स में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स, वो बेसिकली जो भी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स रहती है एक कंट्री की, मॉनेटरी रिलेटेड एस्पेक्ट्स रहती है कंट्री की, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन रहते हैं उसकी जो नीड्स रहती है वो नीड्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सिस रहते हैं, ठीक है, वो रिसोर्सिस का यूज करके अल्टीमेटली जो भी पर्टिकुलर सोसाइटी के जो भी पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उसका वेलबींग हो, उसका वेलफेयर हो, ठीक है, उसकी सुख समृद्धि जो हम बोलते हैं उसमें बढ़ावा हो, उस तरह की जो चीज रहती है उसका स्टडी बेसिकली इकोनॉमिक्स में होता है। बट हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स की ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो भी इकोनॉमिस्ट रहे हैं फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू टिल नाउ, उन सब ने अपने अपने स्टडी के हिसाब से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन है वो दी हुई है। तो प्योरली हम बोले कि भाई इकोनॉमिक्स यही है, ऐसा हम नहीं कह सकते। जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, उसके स्टडी के हिसाब से जो भी चीज उसको जानने को मिली होगी उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जोन में उसने इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। तो यहाँ पे पहले हमें सिंपल टर्म में इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। देखो, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ साइंस, जिसको साइंस बोलते हैं, विच स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हमने आगे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में सुना है कि अर्निंग के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें एक पर्टिकुलर पार्टी को इनकम होती है, दूसरी की वो भी इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, नीड ज्यादा है, वो नीड पूरी करने के लिए, ठीक है, जब भी पर्टिकुलर पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के टाइम पे उसको काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी ऑल दिस प्रॉब्लम्स विच इज फेस बाय सोसाइटी, जनरल पब्लिक एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो हम सिंपल टर्म में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स ये एस्पेक्ट्स जो है वो स्टडी करता है। बट जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो है उसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ मींस पर्पस, गोल, टू गेट समथिंग, कोई भी चीज पाने के लिए जब पर्टिकुलर एक्टिविटी हम करते हैं उसको अर्थ बोलते हैं, और वो पर्टिकुलर अर्थ की जो एक्टिविटी है उसका डिटेल में स्टडी, डिटेल एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन, दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन विच इज कॉल्ड शास्त्र इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र स्टडी हाउ टू फुलफिल गोल पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ विद हेल्प ऑफ अर्थ। इंडियन थॉट के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें मालूम है कि इंडियन जो कल्चर है एंशिएंट टाइम्स है, 5000 पुराना, 5000 ईयर पुराना हमारा एक पर्टिकुलर कल्चर है, ठीक है, वो कल्चर में, वो पर्टिकुलर इंडियन फिलोसॉफी में चार बात जो है वो मेन बोली गई, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये चार पर्टिकुलर ड्यूटी हर इंसान को अपने लाइफ के दौरान फुलफिल करनी रहती है। ये पर्टिकुलर चार चीज में से जो अर्थ है उससे इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है रिलेटेड है। अर्थ मींस टू गेट समथिंग, द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड टू गेट समथिंग इज कॉल्ड अर्थ, जिसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र, और ऐसी एक्टिविटी का जो स्टडी करेगा उसको हम बोलेंगे अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थ, अर्थशास्त्र मींस नथिंग बट अ साइंस विच स्टडी हाउ टू गेट समथिंग,
हाउ टू फुलफिल अवर पर्पस इन लाइफ बाय अचीविंग मटेरियल वेल्थ, क्योंकि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए अल्टीमेटली हमें क्या चाहिएगा, मटेरियल वेल्थ चाहिए। तो ये जो मटेरियल वेल्थ है, वो पर्टिकुलर मटेरियल वेल्थ पाने के लिए ये जो अर्थ की एक्टिविटी पर्टिकुलर इंसान इंडिविजुअल करता है, वो अर्थ की जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसका स्टडी बेसिकली कहाँ पे होता है, इकोनॉमिक्स में होता है। देखो आज से 2500 ईयर्स पहले एक पर्टिकुलर इंसान जिसको हम कौटिल्य चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, उसने एक इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कौटिल्य उसमें बताते हैं कि उस टाइम पे अर्थ मीन्स टू गेट समथिंग, कुछ पाने के लिए जो भी पर्टिकुलर पर्सन थे, इंडिविजुअल थे, वो लैंड यानी अर्थ का यूज करते थे। ठीक है, तो वो बोलते थे कि इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, तो ये लैंड कि जिसके हिसाब से कुछ चीज पर्टिकुलर इंसान पाता है तो लैंड का यूज कैसे करें, उपयोग कैसे करें। ठीक है, वो लैंड को एक्सचेंज कैसे करें, एक के पास से दूसरे के पास लैंड कैसे दे। ठीक है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि ये पर्टिकुलर लैंड है उसका एलोकेशन कैसे करें, उसका जो स्टडी होगा उसको इकोनॉमिक्स। तो ये इंडियन थॉट था, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक्स का थॉट था।